दिशा में जब हमारी सरकार बनी तो सारी सच्चाई सामने आने लगी। तब बैंकों से कड़ाई से कहा गया कि सही सही आकलन करके उनकी कितनी राशि इस तरह का लेन देन और उतना उनका लोन देना बाकी है, कितने रुपए फंसे हुए, सारी जानकारी लाओ। 6 साल में जो अथाह राशि दी गई उसकी सच्चाई ये है कि जिस राशि को पिछली सरकार सिर्फ 2-2.5 लाख करोड़ बता रही थी वो दरअसल 9 लाख करोड़ रुपया थी। चौंक जाएगा देश आज सुनकर के, देश के साथ कितना धोखा किया गया, देश के सामने कितना झूठ बोला गया। हर रोज ब्याज की रकम जुड़ने की वजह से ये दिनों दिन और बढ़ती जा रही है, आने वाले दिनों में ये और भी बढ़ेगा क्योंकि ब्याज तो जुड़ना ही जुड़ना है, बैंक का अपना कागजी काम तो करेगा ही करेगा। साथियों, 2014 में सरकार बनने के कुछ समय बाद ही हमें एहसास हो गया था कि कांग्रेस का और ये नामदार देश की अर्थव्यवस्था को एक ऐसी लैंडमाइन बिठा करके गया है। अगर उसी समय देश और दुनिया के सामने इसकी सच्चाई रख दी जाती तो ऐसा विस्फोट होता कि अर्थव्यवस्था शायद संभालना मुश्किल हो जाता, इतनी बर्बादी करती। इसलिए बहुत एहतियत के साथ बड़ी बारीकी से काम करते करते इस संकट से देश को बाहर निकालने के लिए हम दिन रात लगे रहे। भाइयों और बहनों, हमारी ही सरकार एनपीए की सच्चाई पिछली सरकार के इस घोटाले को देश के सामने लेकर के आई है। हमने केवल बीमारी का पता ही नहीं लगाया बल्कि उसके कारण की भी तलाश की और उस बीमारी को दुरुस्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। पिछले 4-4.5 साल में 50 करोड़ से बड़े सभी लोन्स की समीक्षा की गई, लोन की शर्तों का बड़ी कड़ाई से पालन हो यह सुनिश्चित किया जा रहा है। हमने कानून बदले, बैंकों के मर्जर का निर्णय लिया, बैंकिंग सेक्टर में प्रोफेशनल अप्रोच को बढ़ावा दिया, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुधारने के लिए निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल, भगोड़ों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये भगोड़े अपनी संपत्ति की नीलामी में खुद भाग न ले सके इसकी भी व्यवस्था की गई है। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।